2019 में लागू होना था, उसको यहाँ तक आते आते 2023 हो गया और अभी भी उसकी उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब है, जो भारत सरकार ने हमको ये ओआरओपी का टेबल, जिसको कि मैं बोलूंगा कि अपने लिए अधिकारी वर्ग ने खासकर एक स्वस्थ टेबल दिया अपने लिए, और हमको बीमारियों से ग्रसित, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियां हैं, उस ग्रसित टेबल को हमारे हैंड ओवर कर दिया, जिसमें कि विषमता है और उसमें इतनी खामियां हैं कि पहले के दौर में एक ऑफिसर 600 जवान का जो गैप था वो आज के दौर में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि आप इसमें बखूबी से इन्वॉल्व है, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें मैं इसमें साझा करना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि 807 को 2.81 के फैक्टर से लागू किया गया, जबकि हमको 2.57 के फैक्टर से, तो ये एक प्रसिद्धि है, जबकि हम हर एक काम को एक साथ करते हैं और करना चाहिए। अगर लागू है तो हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कि हमारा बढ़ाया जाए, लेकिन हर एक का एक गैप ये दिखाता है कि हमारे मनोबल को गिराने की एक साजिश है। जैसे कि अगर आप माने कि किसी भी सेना को अगर कोई टास्क पूरा करना है तो उसके लिए चौथी या पांचवी जनरेशन के हथियार से जरूरी है उसका मोराल और मोटिवेशन। अगर आपका हमारा सबका मोराल और मोटिवेशन होगा तो चाहे पांचवी जनरेशन के वेपन क्यों नहीं है उसके सामने फेल है। क्योंकि जब ये सैनिक कहीं पर जाता है तो उसको पता रहता है अगर सामने से गोली आ रही है तो मेरी मृत्यु आवश्यक है और जरूरी है, लेकिन वो क्यों लड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे परिवार की देखभाल करने वाला मेरे पीछे मेरा देश है, मेरे सैनिक हैं, मेरे परिवार को लुक आफ्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका इस तरह से कम्युनिकेशन गैप रहेगा, आपसी मतभेद रहेंगे, तो वो कभी सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मोराल और मोटिवेशन को गिराया जाएगा। अगली बात है सर्विस पेंशन। ठीक है, किसी का आवदा बड़ा है, कोई कर्नल साहब है, कोई सुखदार साहब है, कोई हवलदार जी है, उसका अहदा बड़ा है, उसके आधार पर उसको पेंशन दिया है। लेकिन पेंशन देने के बाद में आपने देखा होगा कि सिक्स पे कमीशन में, अब सेवन पे कमीशन में कितना गैप है, उसी प्रकार ओआरपी टू में, जैसे कि ऑफिसर जोसेफ में अंतर था सिर्फ 10,554 का, लेकिन उसको बढ़ा करके 75,000 कर देना, ये कहां का न्याय संगत है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा विधवाएं, विधवाओं का था 2,380 का अंतर और उसको 45,000 रुपया कर दिया गया, जबकि जवान की विधवा और अफसर की विधवा में क्या उनका उन्होंने पति नहीं खोया या उनका जो हस्बैंड था उसने शहादत नहीं दी है। तो यहाँ जो विधवाओं पे भी एक सिस्टम से अगर बोला जाए ये विसंगति कहाँ तक ठीक है, जबकि जवान अगर कोई शहादत देता है, अपने आप को बलिदान देता है, उसका परिवार तो और भी नाजुक है और संवेदनशील भी है, क्योंकि वह एक सामान्य परिवार से भी ताल्लुक रखता है। तो हम लोग या जिसने भी किया ये विधवाओं के साथ भी ये इस तरह से गैप किया है, जिसको कि हर एक जवान या कोई भी उसको मंजूर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से MSP, अब आप बताइए 2006 यानी कि सिक्स पे कमीशन से पहले MSP नहीं होता था, लेकिन आप लोग जो अफसर साहब है उस MSP को यूरोप से लेके आए और हिंदुस्तान में लागू कर दिया। ठीक है, आपने MSP लाए लागू कर दिया है, तो आपने उस समय सिक्स पे कमीशन में जवान जिसका का 2,000 और अपना 6,000 यानी कि 4,000 का गैप किया, और आज आपने 10,300 का गैप कर दिया, और MNS को आप 10,800 देते हैं, जो कि नॉन बैटल्ड है, वो कभी लड़ाई में नहीं आती, इसका मतलब हम लोग एक MNS से भी कम है। MNS को 10,800 दे रहे हैं और हमको 5,200, जो कि हम हर परिस्थिति में चाहे आप लगाओ -40 डिग्री के टेम्परेचर में हो या +52 डिग्री के टेम्परेचर में हो, फिर भी MSP में भी आपने ये भेदभाव किया। तब आपने यूरोपियो से सीखा है कि ठीक है MSP होना चाहिए, लेकिन आपने उसके तर्ज पे ये लागू क्यों नहीं किया कि वहां तो MSP अवसर जैसे को इक्वल है, यहाँ आपने इतना गैप किस लिए दिया? क्योंकि आपको अपना हित से दूसरा का हित आपने हमेशा नजरअंदाज किया है। डिसेबिलिटी पेंशन एक मानक पर ले लीजिए आप कि अगर वार इंजुरी है और 100% डिसेबिलिटी है तो आपका वेरिएशन जवान अफसर के साथ
मात्र 5,000 का था, आज वो 1,40,000 आपने कर दिया है, तो क्या आप बताइए कि जो हमारा जवान है उसका शरीर क्या मिट्टी का और किसी का डायमंड या गोल्ड का है? शरीर तो शरीर है। तो इस तरह से भेदभाव ये आपके मनसा और आपने जो ये विसंगतियाँ पैदा की है ये हमने नहीं की है, ये आप लोगों के माध्यम से हुआ है। उसी प्रकार से आप हलन से देखें, हाईट्यूट में चाहे जवान हो अफसर हो जैसे जो, अब आप लगा लिए हाईट्यूट में उसको, उसके रैंक से उसका लिविंग का स्तर, उसका खान पान का स्तर भी अलग अलग है। ठीक है, वो होना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई सांप एफआरपी में सो रहा है तो उसका जो गार्ड वाला वो सिपाही का है, तो क्या उसका अनुच्छेद उसको ठंड कम लगती है? जबकि उसका काम है, जवान का काम है, अगर 2-6 के गार्ड है किसी सीओ साहब के या कमली कमांडर या जीओसी साहब के साथ में गार्ड है, तो मौसम से ज्यादा कौन लड़ रहा है? ये तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन खैर आपने ये सोचा कि जवान को या दूसरे रैंक को ठंड या उसको मौसम की इतना परवाह नहीं है जितना हमको है, तो आपने वहां पर भी हर जगह अपने सिस्टम को ऊपर रखा है और हमको हमेशा नीचे रखा है। और इसको हमेशा आपने ये भी देखा होगा कि जब जब भी पे कमीशन होता है, और हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं, जब भी पे कमीशन होता है या पे का गठन होता है उसमें ऑफिसर के साथ साथ क्या में जवान जीओसीओ या कोई हमारी विधवा को शामिल नहीं किया जा सकता है? लेकिन नहीं, आप हमेशा अपना एक तरफा डिसीजन लेकर के उस काम को अंजाम देते हैं, जिस कारण से हमें सैन्य में सिखाया गया कि कभी सैनिक को रोड पर नहीं आना चाहिए, लेकिन आज मजबूरन से आना पड़ रहा है और जो कि अच्छे संकेत नहीं है। तो इसी से ताल्लुक अगर दें कि आपने देखा होगा कि जो हमारे रिजर्व आए हैं 1962, इसमें भी साहब लोग होंगे कोई, 1965 और 1965 में उनको घर भेज दिया गया रिजर्व, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो सेफ वन था, लेकिन उनको घर भेज दिया गया, और घर भेज के नहीं, जब 1971 की लड़ाई हुई उनको फिर बुलाया गया। अगर ओआरपी का ज्यादा हक है, मेरे से भी ज्यादा हक है, तो उनका है जो 1962 1965 और 1971 की जंग में रहते हुए भी उस चीज से वंचित है और सबसे ज्यादा योगदान उनका है। तो वो आज की डेट पे जिंदा होते हुए भी वो पेंशन नहीं ले रहे, फैमिली पेंशन ले रहे, जिंदा होने के बाद भी फैमिली पेंशन उससे भी कम ले रहे, मात्र मेरे ख्याल से जहां तक वो 12-13,000 रुपये भी नहीं ले रहे। तो जो कि एक विसंगतियों से और एक दूसरे की जो दूरी को बढ़ाने का जो सिस्टम है ये अनुचित है, क्योंकि आप लगाएंगे जो 1962, 1965, 1971 के साहब लोग थे वो आज 80 ईयर्स या 90 ईयर्स के ओल्ड है। तो सबसे पहले अगर ये इंटरटेनमेंट बनता है तो उनका बनता है जिन्होंने 3-3, 4-4 जंगें लड़ी हैं। अभी आप देखो जब 23 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री द्वारा ये वॉर रूपी ट्यूब का घोषणा हुआ तो इसमें कहा कहीं इसमें 25 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा, जिसमें कि हमारे 4 लाख सैनिक वॉर रूपी ट्यूब का इंतजार करते करते आज इस दुनिया में नहीं है। और आज इसमें कहा कि 8,500 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा जो कि जुलाई 2019 में सेनानिवृत्त हुई है, और 23,638 करोड़ का अलग से इसमें धनराशि देनी पड़ेगी। लेकिन आप इसको मोटा मोटा सारांश के रूप में लो कि जिनकी संख्या मात्र 3% है, उन्होंने इस पूरे सिस्टम का इन करोड़ों रुपयों का 80% भाग लिया, और जिनकी 97% जिनकी स्ट्रेंथ है उनको मात्र 20% भी नहीं मिला है। कहने का मतलब किसी सिस्टम को या किसी रैंक को मलाई खाने का पूरा मौका मिला, और किसी सिस्टम को किसी रैंक को खिचड़ी का जिसमें नमक भी नहीं है वो खिचड़ी भी नहीं मिली है, जो कि ये विसंगतियाँ इतनी है कि जो कि आपस में एक दूसरे को विभाजित करती है। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अग्निवीर का भी मैं शामिल करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अग्निवीर जो हमारे जो जवान अग्निवीर में जा रहे हैं उनको 25% रेगुलर में होंगे और 75%
उनको 4 साल बाद बाहर जाना पड़ेगा। तो एक इसमें आप देखेंगे कि एक विसंगतियां इसी में है कि अवसर के लिए अग्निवीर लागू नहीं किया गया, लेकिन जल्द से जल्द जवान के लिए अग्निवीर इसमें शामिल कर दिया गया। और यही नहीं कर दिया गया कि जब आप देखेंगे हेलो हम दो जवान हैं, एक रेगुलर वाला है, एक 4 साल वाला है, तो उनका आपस में मन मिटाव होगा, यानी कि जिसको बोलूंगा मैं कि फूट डालो राज करो, ताकि वो जवान एक दूसरे के इस तरह से ये विरोध में हो जाए कि वो एक दूसरे को बोले कि आप तुम्हें चाहता है और मैं रेगुलर वाला हूँ, जबकि सेना में एक संगठित होकर के विधायक तो खाने के बैठे आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। और इसमें ये भी आप देखेंगे एक इसमें ये कर दिया गया है कि भैया हमारे जो अध्यक्ष वो भाषण दिलाओ यहाँ मतलब बतौड़ा और उत्तर में कि विसंगति है हर उत्तर कौन चला। अगर मैं भर्ती होने के लिए गया और मैं कुमार को माना हेड की वजह से या वजन की वजह से निकाल दिया गया ना, कहो तुम कहो इंजीनियर रेजिमेंट में या जाट किसी में जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जा सकता हूँ जब तक मुझे साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, वो तक मेरी बात करी है निकल जाए। जबकि पहले क्या था तो कि अगर एक अगर किसी ग्रुप में या रेजिमेंट में शामिल हो पाया तो ट्राई करता था, लेकिन वो ऑनलाइन होने के कारण वो साल भर तक उसको आज तो सोमवार में रजिस्ट्री रेडी होगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं ठीक हूँ मैं, तो इसमें हर एक को कुछ अच्छा कुछ पहला अंशदान की जरूरत भी पड़ती है, इसमें खर्चे की जरूरत पड़ती है। आप लोग इस तरह से सब अरेंजमेंट कर रखा है तो जरूरी है कि हमको आर्थिक रूप से भी मदद होना है, ताकि आप लोग यहाँ पर हर मुहिम को अच्छी तरह से डील कर सके। तो मैं कपिल सर से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि बिलासपुर कांडी के जो हम लोग आर के मेरी समिति की उधर से जैसे आपने देखा होगा समिति की तरफ से 11,000 रुपए की छोटी सी धनराशि और 19,000 रुपए और यानी कि 30,000 की छोटी धनराशि देना चाहता हूं। तो मैं कपिल सर से गुजारिश करता हूँ कि वो उन्हें ध्यान देने का चेक करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदार राजकुमार जी दिल्ली से, जो पूरे परिवार के साथ अपना आपका बेटा भतीजा और ग्रैंडसन सारे पूरा परिवार आपके लिए दोपहर का खाना लेकर आए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। खाना लेके आए 100 बंदों का, तो सब थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी ये जारी रखना है, ये हो गया, हाँ खत्म कर दो।